नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग मेरी वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं गाइस कि जो आज की वीडियो होने वाली है वो किस बारे में होने वाली है। दरअसल दोस्तों जो पिछली मैंने वीडियो डाली थी वो थी वुडमैन X1 के रिव्यू के रिगार्डिंग। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग पूछ रहे थे कि डीन और वुडमैन में से कौन सा जो एंड्रॉयड स्टीरियो वो बेहतर है। दोस्तों जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर एक बार चेक कर लें। पर्सनली दोस्तों मैंने डीन का सिस्टम मैंने अभी तक कोई भी यूज़ नहीं किया है, लेकिन मुझे इतना पता है कि यार जैसे मेरे मन में भी था और बहुत लोगों के मन में भी ये चीज़ होगी कि उन्हें भी डीन और वुडमैन में से कौन सा बेटर है, कौन सा जो स्टीरियो है वो अच्छा है। क्योंकि डीन का जो स्टीरियोज है उसमें आपको प्राइस आपका काफ़ी लो है, आपको 20,000 के जितना मैंने चेक किया था 20,000 की रेंज में आपको 4/64 तक का कन्फिग्रेशन के आपको स्टीरियोज मिल जाते हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है दोस्तों कि क्यों ना हम एक डीन का जो सिस्टम है जो मेरे वुडमैन X1 से मिलता जुलता है उसको हम परचेज़ कर लेते हैं, आज ऑर्डर कर लेते हैं इस वीडियो में। बस गाइस जो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि एक तो हम जो डीन की वेबसाइट है उसको थोड़ा हम एक्सप्लोर करेंगे और जो मेरे वुडमैन X1 से मिलता जुलता जो भी सिस्टम होगा उसको हम परचेज़ करेंगे। जो इन फ्यूचर मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ होगी उनमें से एक आपकी अनबॉक्सिंग की देखोगे आप डीन की, और जो नेक्स्ट होगी उसमें हम डीन और वुडमैन का साइड बाई साइड हम इसका कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये काम अच्छा लगे तो YouTube के जो रिवाज है वो पूरे करें, मतलब लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। गाइस जो स्क्रीन पे आप सामने देख पा रहे हैं ये है जो डीन की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप लोगों को भी इस साइट को चेक करना है तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये है deeninfotainments.com। सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को कुछ कमेंट्स बता देता हूँ जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सिस्टम्स के बारे में, ठीक है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं मेरी पुरानी वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में है। ये देखिए एक हमारे सर पूछते हैं कि डीन पे भरोसा कर सकते हैं क्या। अब ये चीज़ हम जब डीन का सिस्टम मुझे डिलीवर होगा उसके बाद इंस्टॉल करके देखेंगे कि भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। एक और मैम है इसमें जो मैंने कमेंट्स चेक किया था, वो मैडम देखो यहाँ बताते हैं कि वुडमैन इज़ कॉस्टली, बिल्कुल साइट वो सही बोलते हैं। डीन स्पेसिफिकेशन इज़ वेरी गुड इन लो बजट रेंज, इफ़ एनी वन नो पुट अ रिव्यू ऑफ डीन। मैम आप लोग, आपको ही मैं स्पेशली ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल हम इस सिस्टम को खरीदने वाले हैं और उसके बाद जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो हम इसका रिव्यू भी पक्का देंगे। नेक्स्ट एक और हमारे ब्रदर है इसमें, देखो वो पूछते हैं कि विच वन इज़ बेटर डीन और वुडमैन। ब्रदर आपको भी मैं ये वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ कि आज हम इसको परचेज करेंगे और नेक्स्ट टाइम जब इसको इंस्टॉल करेंगे फिर उसके बाद हम एक एक चीज़ हम इसकी पता कर लेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है। गाइस सबसे पहले हम फटाफट साइट पे आते हैं और इनके प्रोडक्ट्स को चेक कर लेते हैं और ढूंढ लेते हैं कि वुडमैन से मिलता जुलता कौन सा है जो मेरे लिए ठीक रहेगा, ठीक है। गाइस ये कुछ इनका यूज़र इंटरफेस है वेबसाइट का, ठीक है। यहाँ पे टॉप में आपके ऑफर्स चले हुए हैं, हम थोड़ा नीचे जाते हैं। सबसे अच्छी बात जो मुझे इनकी वेबसाइट की लगी गाइस कि इन्होंने सेक्शन में ना अपनी वेबसाइट में डिवाइड कर रखे हैं, जैसे कि आप चेक कर सकते हो सबसे टॉप में इन्होंने बजट एंड्रॉयड स्टीरियोज दे रखे हैं जिनकी रेंज आपकी 9,000 से लेकर 13,000 तक वेरी करती है। नेक्स्ट इन्होंने पार्ट बना रखा है जो लैग फ्री स्टीरियोज हैं डीन के, उसका एक सेक्शन बना रखा है और इनकी जो प्राइस रेंज है आपकी 17,000 से लेकर 20,000 के अराउंड है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। नेक्स्ट इनके 360 एंड्रॉयड सिस्टम आते हैं, इनकी 25,000 से लेकर 49 या फिर 50,000 के आसपास इनकी रेंज आती है। और जो नेक्स्ट इनका सेक्शन डिवाइड कर रखा है वो है इनका एंड्रॉयड स्टीरियो विद सिम स्लॉट, जिसमें कि एक सिम भी लग सकती है ताकि नेट की कोई दिक्कत ना हो, और उसकी रेंज है आपकी 30,000 से लेकर 40,000 के बीच, और उसमें बहुत सी चीज़ें आपको मिलेगी तो आप वेबसाइट पर जाकर खुद चेक कर सकते हैं। गाइज जो मैंने सिस्टम पहले ही इसमें चेक कर रखा है जो मेरे वुडमैन X1 से मिलता जुलता है वो है गाइज ये वाला डीन अल्ट्रा 1.0 ऑक्टा कोर एंड्रॉयड, ठीक है। इसमें सिर्फ एक चीज़ है कि इसमें आपको 4GB वाला ऑप्शन है, साथ में 32GB है। और प्राइस इसका आपका 17,000 पड़ता है, तो इस चीज़ को हम परचेज़ कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले इसकी थोड़ी बहुत हम स्पेसिफिकेशन कुछ चेक कर लेते हैं। ये टैब यहाँ पे खुला हुआ है गाइस, तो इसका जो एग्जैक्ट नाम है वो है डीन अल्ट्रा 1.0 ऑक्टा कोर एंड्रॉयड स्टीरियो। इसके साथ वाला भी था एक, वो भी 17,000 का ही है, लेकिन उसमें एक चीज़ है कि वो ऑक्टा कोर नहीं है, वो क्वाड कोर है। तो मुझे सिर्फ ऑक्टा कोर चाहिए क्योंकि वुडमैन का X1 भी ऑक्टा कोर है। तो आइए फटाफट इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन चेक कर लेते हैं और टॉप में यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स बता रखी है वो चेक कर लेते हैं। इसमें ये एंड्रॉयड 12 मिलेगा विद प्ले स्टोर है, ऑब्वियसली वो तो बात होगी। रैम 4GB है, रोम आपकी 32GB है, डिस्प्ले आपका 9 या 10 inches पे ये आता है और ड्यूल DVR कैमरा सपोर्ट करता है, 2.60 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर T5 इसमें मिलता है, और ये कुछ इसमें फीचर्स है। जो आप बॉक्स में जो आपको सामान मिलेगा वो चीज़ है डीन अल्ट्रा 1.0 हेड यूनिट मिलेगा, एक कार स्पेसिफिक फ्रेम मिलेगी, कुछ पावर सप्लाई कपलर्स वगैरह, 2 USB पोर्ट्स, HD नाइट विजन कैमरा मिलेगा, GPS एंटीना, कुछ वायर्स, एक्सटर्नल माइक है, कनेक्टर्स वगैरह, वारंटी कार्ड, ये सब चीज़ें कॉमन ही रहती है वैसे हर एक स्टीरियो में, ठीक है।
बाकी ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी है, हम तब चेक करेंगे जब हमें ये डिलीवर होगा अनबॉक्सिंग में कि क्या क्या ये बॉक्स में हमें मिलता है। नेक्स्ट आपकी कुछ स्पेसिफिकेशंस है गाइज, वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो स्क्रीन जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 9 या 10 inches की, 10 इंच की सिर्फ कुछ गाड़ियों के लिए है, जैसे कि सिटी है, होंडा सिटी है, क्रेटा है, सिविक है, वेन्यू है, न्यू इकोस्पोर्ट या हैरियर सेल्टोस, इन पे आपको 10 इंच का मिलेगा, बाकी सबके लिए 9 इंच की अवेलेबल है। तो डिस्प्ले टाइप जो है वो है HD IPS, ठीक है, और 2.5D गोरिल्ला ग्लास के साथ प्रोटेक्शन के साथ मिलती है। स्प्लिट स्क्रीन ऑप्शन है, नॉर्मल है, ठीक है। मेमोरी आपको मिलेगी 4GB DDR4 इंटरनल, और जो आपकी रोम है वो मिलेगी 32GB। प्रोसेसर आपका 2.6GHz का, जो हम ऊपर बात कर चुके हैं, ठीक है जी। एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए आपको USB पेन ड्राइव के 2 पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम चेक कर लेते हैं गाइस, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा वर्जन 12, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वुडमैन X1 में आपको एंड्रॉयड 10 मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड है। नेक्स्ट आप चेक कर लेते हैं मैप और नेविगेशन, तो मैप्स है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, ठीक है। नेटवर्क में हम चेक कर लेते हैं वाईफाई, यस जी, ब्लूटूथ भी है हमारे पास, मिरर लिंक भी कर सकते हैं, वायरलेस और USB बोथ है ऑप्शन अवेलेबल। एप्पल कार प्ले भी है और एंड्रॉयड ऑटो भी है, बिल्कुल सेम जैसा वुडमैन में है। और यहाँ पे साथ में साउंड एंड म्यूज़िक हम चेक कर लेते हैं, तो इसमें आपको 60 वॉट के 4 आउटपुट मिल जाते हैं, वो भी DSP विद Dolby के साथ, जो कि अगर वुडमैन में हम चेक करें तो वुडमैन में हमें शायद 50 वॉट के 4 वो मिलते हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं। सो गाइज, वुडमैन में आपको 50 वॉट के 4 स्पीकर कनेक्ट कर सकते, जो कि सामने सामने देखने वाली बात है कि डीन में आपको बेटर चीज़ मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात है, डीन का जो प्राइस है इसके मुकाबले काफ़ी कम है, इसका 21,000 हो गया और उसका 17,000 है, ठीक है। अब आगे पहुंचते हैं जी, साउंड इक्वलाइजर है बिल्कुल 30 बैंड वाला DSP के साथ, हाई रेजोल्यूशन साउंड है, रेडियो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। कार कनेक्टिविटी में चेक कर लेते हैं क्या चीज़ें हैं। स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल कनेक्ट कर सकते हैं, ऑल स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते हैं, सब वूफर विद एम्पलीफायर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और रियर व्यू कैमरा, पार्किंग सेंसर वगैरह सब कुछ इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, बट आपको उसके साथ नहीं मिलेगा, स्टीरियो के साथ नहीं मिलेंगे। और डुअल DVR कैमरा भी सपोर्ट करता है। सो ये तो रही गाइस कुछ स्पेसिफिकेशन और कुछ मेन चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी थी। बाकी फटाफट हम इसको अपनी गाड़ी सेलेक्ट कर देते हैं एक बार। सो गाइस, आपको ऑल्टो से लेकर अमेज, ब्रेजा, जो भी है, बहुत सी गाड़ियों के ऑप्शन मिल जाएंगे। मैं अपनी गाड़ी ढूंढ लेता हूं, जो कि है सिलेरियो ओल्ड, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जो है मुझे फ्रेम मिल जाएगी मेरी सिलेरियो पुरानी गाड़ी के हिसाब से, और इसको हम ऐड टू कार्ट कर देते हैं। सो गाइज, स्टीरियो कर लिया मैंने ऐड टू कार्ट। सो जो बाकी फॉर्मेलिटीज़ होती है, जैसे कि एड्रेस वगैरह, पेमेंट वगैरह, वो मैं कर देता हूँ। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार कि कुछ लोग समझें कि ये वीडियो मैं स्पेशली आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो गाइज लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें, क्योंकि मैंने इसको स्पेशली ऑर्डर किया है ताकि मैं डीन और वुडमैन X1 के बीच कंपेरिजन कर पाऊँ, क्योंकि वुडमैन तो मैंने ऑलरेडी परचेज कर रखा है। तो प्लीज़ लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर।